आयरा बेटा, आपने किचन गिरा दिया। आपको मेरा नाम कैसे पता है? उम्र गुजारी है बेटा, ना चाहते हुए भी बहुत सी चीजों का पता चल जाता है। हैरत की बात है। हैरत की बात तो यह है कि मुझे यह भी पता है कि जिस शख्स ने यह किचन तुम्हें दिया है वो पिछले 2 सालों से तुम्हारे साथ नहीं, और आज भी वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आप कोई जादूगर तो नहीं? जादूगर तो नहीं, एक आम शख्स हूँ, राह गुजर ही समझ लो। लेकिन आपको मेरे बारे में इतना कैसे पता है? सवाल ये नहीं कि मुझे कैसे पता, सवाल ये है क्या तुम आज भी वहीं खड़ी हो जहाँ पहले थी? Never mind, मुझे ऑफिस से देर हो रही है, I'm leaving. बेटा किचन, आप फिर से बोल रही हो। एक किचन के लिए 2 बार रुकना कोई इत्तेफाक नहीं। मैं आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। आप जिंदगी में आगे तो बढ़ गई लेकिन आपका दिल अब भी वहीं रुका है। फातिल और मैं बहुत करीब थे, लेकिन जिंदगी ऐसे कहाँ गुजरती है जैसी सोची हो। एक ऐसे मोड़ पे आके खड़ी हुई जहाँ उसके बगैर ही आगे बढ़ना मेरे लिए आखिरी रास्ता था। आपने उससे मशवरा किया? नहीं, उससे बात करती तो वो रोक लेता हमेशा की तरह, इसलिए सोचा चुपचाप भी निकल जाऊँ, समझ जाएगा खुद ही। बेटा जिंदगी में हम कुछ ऐसे फैसले कर लेते हैं जो हमारे हक में बेहतर हो, लेकिन उसका असर उसके साथ वाले लोगों पर क्या होता है ये नहीं सोचता। मैं अब दोबारा वापस नहीं जा सकती, बहुत मुश्किल से दिल पे पत्थर रख के यहाँ तक आई हूँ। बेटा आप वापस नहीं जा सकती, लेकिन उसे अपने साथ आगे तो ले जा सकती हो। अब तुम्हें पता है तुमने क्या करना है। फाजिल कैसे हो? आयरा, क्या सच में तुम हो? हाँ हाँ मैं ही हूँ, मिल सकते हो मुझे? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हें देखने के लिए 2 साल इंतजार किया है मैंने। चलो मैं लोकेशन सेंड कर रही हूँ, आ जाओ। एक बात नहीं समझ आती मुझे, आखिर 2 साल बाद तुम्हें मेरी याद क्यों आई? एक बुजुर्ग मिले थे सुबह, उन्होंने उस बात का एहसास दिलाया जिसे समझने में मुझे 2 साल लग गए। कौन बुजुर्ग? पता नहीं, अनजाने थे। अल्लाह का ही कोई भेजा हुआ बंदा होगा, शायद 2 साल बाद सुनी गई हो पर मेरी। अच्छा क्या बदला मेरे जाने के बाद? अभी तुम्हारे जाने के दुख में उलझा हुआ था कि मेरे फादर की डेथ हो गई। I'm so sorry, फाजल। मैं उस टाइम तुम्हारे साथ नहीं थी,